अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मुकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं भैंसा शहर के करीबी मौजू निगवा में दलित तबके से ताल्लुक रखने वाली 9 साल लड़की 71 साल बीवीटल के हवस का शिकार बनी। अफराद खानदान की जानिब से इस वाक़े की शिकायत पुलिस में करवाई गई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से मुतासर लड़की को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए खाते की तलाश शुरू कर दी गई। इस मामले को लेकर सियासी माहौल भी काफ़ी गर्मा गया था। आने वाले इंतखाबात को लेकर बीजेपी TDP के अलावा दिगर की जानिब से इस वारदात को तूल देने की कोशिश की गई। पुलिस फौरी हरकत में आते हुए इस मामले को काबू में करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस की जानिब से खाती की तलाश में तेज़ी पैदा करते हुए 24 घंटे के अंदरून गिरफ्तार कर लिया गया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए एडिशनल SP किरण खरे ने मुकम्मल तफसीलात से वाकिफियत करवाया और खाती को मुख्तलिफ दफात के तहत अदालती तहवील में भेज दिया गया। भैंसे से हमारे नुमाइंदे मुशरफुद्दीन की रिपोर्ट। 26 तारीख को कुबीर पुलिस स्टेशन लिमिट में भैंसा सब डिविजन लिमिट में एक इंसिडेंट सामने आया, जिसमें 26 को लेट नाइट युगा विलेज से एक मदर हमारे पास आई और उसने बताया कि उसका फोर्थ क्लास के स्टूडेंट है, उसकी जो बच्ची है सी इज़ ए 9-year-old girl, तो उसके साथ एक रेप इंसिडेंट हुआ है। तो जो डिटेल्स है उसका उसके केस के बारे में ये है कि 23 को यानी कि सैटरडे को 4:30 बजे वो गांव में वहाँ पे उसके घर के पास खेल रहे थे। उस टाइम पे उसी गांव में जो पर्सन है जो उसको नोन पर्सन है उसका नाम है बंदेली विटल, एज 70 ईयर्स, सेम लुगा विलेज का रहने वाला है। तो उस बच्चे को साथ में लेके वो गया क्योंकि दोनों की पहचान थी। वहाँ पे लेके जाने के बाद उसने कैटल शेड में गया जो उसका खुद का एक ओनर वहाँ पे कैटल शेड था, उसमें जाके उसने वहाँ पे उसके कपड़े निकाल के वहाँ पे रेप करने का रेप किया वहाँ पे। उसके बाद में वहाँ से लड़की वहाँ पे घबरा के वहाँ से चले गई। ये सैटरडे को इंसिडेंस हुआ था, लेकिन लड़की ने डर के मारे किसी को बताया नहीं। जब 26 को उसको जब प्राइवेट पार्ट को जो इंजरीज हुई थी उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होने लगा, तब उसने अपने मदर को बताया और मदर को तब पता चला कि उसके साथ ऐसा एक रेप इंसिडेंस हुआ। तो उसी टाइम पे मदर की तरफ से कुबी पुलिस स्टेशन में आके FIR रजिस्टर किया गया, जिसमें पुलिस ने एक प्रॉम्प्टली एक्शन लेते हुए एक प्रॉपरली FIR रजिस्टर किया है। इसके इसमें क्राइम नंबर 62/2022 कुबीर PS अंडर सेक्शन 376 AB IPC सेक्शन 5M रेलवे 6 ऑफ पोस्टो एक्ट सेक्शन 325 ऑफ SC/ST केस। इसमें लड़की 12 साल से छोटी है, इसलिए उसके हिसाब से हमने प्रॉपरली एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन लगाए। साथ में जो विक्टिम है वो नाइपुर कास्ट की है, SC कास्ट की है, इसमें SC/ST केस एट्रोसिटी केस इसमें बनता है और मॉस्को केस भी हमने इसमें लगाया। तो इसमें पुलिस की तरफ से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसको मेडिकल एग्जामिनेशन उसी लेट नाइट को हमने भेजा, विद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से जो भी प्रॉपर इंजरीज है उसके बारे में प्रॉपरली चेकअप किया गया, एग्जामिन किया गया और उसको फर्स्ट एड दिया गया। जो भी उसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी जैसे कि सेकी सेंटर हो, काउंसिलिंग हो, जो हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट हो, तो सारा का सारा काम प्रॉपरली पुलिस की तरफ से प्रॉपरली किया गया। इसमें एक्यूज की बात की जाए तो जो एक्यूज था उसको हमने अंडर द सुपरविजन ऑफ रूरल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और SI कुबीर SHO शरीफ इनके अंडर एक टीम फॉर्म करते हुए विद इन 48 आवर्स एक्यूज को हमने अरेस्ट। అమ్మా ఏమైంది ఇప్పుడు సార్ చెప్పండి, ఏమైంది చెప్పండి, మూడు రోజులు ఆయనట అది ఇంతకు ముందు ఒకసారి అయిపోయింది, అయితే మేము గప్చిపున్నాము, మరి ఇంకొకసారి అయిపోయింది అయితే గప్చిపున్నాము, ఇది మూడోసారి అయితే మేము మూలం కూడా చెప్పలేము, మేము కువీరు పోయినాము పోయినాము కొనవైంది। మా పిల్లలకు మా తట బిడ్డ ఆయన
ఏమైందమ్మ అసలు ఏమైంది విషయం ఖరాబ్ చేసిందా ఖరాబ్ చేసిందా ఎవరు ఎవరు చేసిండు బండలో ఇట్టాలా పాపకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటామ్మా 9 సంవత్సరాలు అంటే మైనర్ బాలికకు ఆయన ఖరాబ్ చేసిండు రైట్ ఖరాబ్ చేసిండు चपड़ा चपड़ा।